अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों, क्या हाल है आपका? ठीक है। इस टाइम मैं हुपर वैली के अंदर आया हुआ हूँ और जहाँ पे लोग हुपर वैली में हुपर ग्लेशियर देखते हैं उसके मैं काफ़ी ऊपर आ चुका हूँ। तो अभी मैं कैमरा पलटा के आपको दूसरी तरफ का व्यू दिखाऊंगा। ये मेरे पीछे जो पहाड़ है इनमें एक लेडी फिंगर भी है। ये वही पहाड़ हैं जो KKR से नज़र आते हैं कराकरम हाईवे से। तो अब मैं कैमरा पलटा के आपको बैक व्यू दिखाता हूँ। ये देखिए, ये पॉइंट है जहाँ से हुपर ग्लेशियर नज़र आता है। ये यहाँ से ये हुपर ग्लेशियर है सामने। ये सामने आप पहाड़ देख सकते हैं। शाम का टाइम है, मगरिब के करीब का। हम बाइक चला के यहाँ तक आए हैं। बड़ी प्यारी मेडोज है यहाँ पे, प्यारी प्यारी वादियाँ हैं। और ये जो आप पहाड़ देख रहे हैं सामने, वो लेडी फिंगर है। ये बिल्कुल कोने पे। तो मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ थोड़ा सा। ये आपको नज़र आ रही भाई हाथ चोंच वाली ब्राउन कलर की, जिस पे बर्फ ना के बराबर है। और ये यहाँ का व्यू देखिए, पानी का कितना खूबसूरत है माशाल्लाह। यही चीज़ें देखने के लिए हम काफ़ी लंबा ट्रैक करके यहाँ पे आते हैं। ये देखिए, ये ट्रैक है जहाँ पे गाड़ी वगैरह ऊपर आती है, बाइक पे भी आप आ सकते हैं। ये ट्रैक है सीधा, ये एक पालिन होटल की तरफ जाता है इस तरह से, एक जैक होके इस तरह नीचे की तरफ। और ये प्यारी प्यारी वादियाँ हैं यहाँ पे, खूबसूरत घर है, बहुत ही प्यारे। ये देखिए, यहाँ तक कार आई हुई है। ये जो सामने पिंक कलर का होटल है, यहाँ पे हमारी बाइक वगैरह खड़ी हैं। सामने सारा हुपर ग्लेशियर है। ये ब्लैक कलर का जो आपको नजर आ रहा है, ये हम बहुत ऊपर आए हैं। और मेरे साथ फैसलाबाद से दो प्यारे प्यारे दोस्त हैं। ये देखिए, हाँ, ये कैमरा देखते सीधे हो गए हैं, इनके ऊपर छापा पड़ा है अचानक से। ये बासित भाई हैं फैसलाबाद से, और ये अरसलान वटू मेरे बहुत ही प्यारे दोस्त हैं। तो इनको मैं यहाँ पे लेके आया, मैं खुद भी फर्स्ट टाइम आया यहाँ पे और ये भी फर्स्ट टाइम आए हैं। तो अरसलान भाई, आप कैसा फील कर रहे हैं यहाँ पे? यहाँ पे आके बहुत ही मजा आ रहा है जी। हम तीनों पहली बार आए हैं यहाँ पे, और हम हुपर में पहले आए हुए हैं, लेकिन हम इस पॉइंट पे पहली बार आए हैं। पहले भी हम आए हैं, लेकिन हमने यहाँ आते हुए ऊपर देखा था कि ये पॉइंट है, लेकिन टाइम की कमी होने की वजह से हम लोग ऊपर नहीं आ पाए। और आज हमने फाइनली जो है ये अचीवमेंट अचीव कर ली, और यहाँ से हमें बहुत ही जबरदस्त व्यूज मिले हैं। और ये देखें, ये व्या भाई जो है वीडियो शूट कर रहे थे, और पीछे अब्दुल बासु भाई हैं। बस भाई, आप क्या कहना चाहेंगे? ये बहुत प्यारा नजारा है यहाँ से। मैं तो हर टूरिस्ट को कहना चाहूंगा कि यहाँ पे विजिट करें। अच्छा, बड़े अच्छे ग्लेशियर्स यहाँ से नजर आते हैं। पूरी हुपर वैली का व्यू है, बहुत ही शानदार व्यू है। अच्छा, चले नाजरीन, इंशाल्लाह हम आपको मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में किसी अच्छी जगह पे। और अभी एक मजे की चीज दिखाऊं आप लोगों को। ये देखें, सनसेट हो चुका है, मतलब मगरब का टाइम हो चुका है, और यहाँ पे पीक के ऊपर आपको ये गोल्डन नजर आ रहा होगा। ये लाइट पड़ रही है सन की, और दूसरी तरफ ये चोटियां देख सकते हैं आप। ये बिल्कुल यहाँ पे लाइट कम है, ठीक है। और ये पैनोरामिक व्यू मैं दिखा रहा हूँ आपको सबको। क्या बात है, सुभान अल्लाह। ये नज़ारे देखने के लिए आपको, हाँ भाई, वो पहाड़ आप कैप्चर कर सकते हैं, ब्लैक बादल है जहाँ पे। ये बिल्कुल मैं बताता हूँ जी, इनको ये इस तरह वी की शक्ल में बना हुआ है, और इसकी बारीक लकीर बहुत ज्यादा लंबी है। ये मैं दिखाता हूँ, मैं जूम कर रहा हूँ अभी। ये देखिए, जैसे वो है ना जापान में, वो क्या है उस चोटी का नाम, बड़ी मशहूर है जिसके ऊपर बादल घूमते हैं, फ्यूजी माउंटेन जी। ये बिल्कुल वैसे ही अभी बादल यहाँ पे हैं। तो और दया भाई, आप अपने ब्लॉग को इख्तिताम करना चाहेंगे तो क्या करेंगे अपने नाज़रीन के लिए? दिल्ली में चार ब्लॉग का इख्तिताम हो, यहाँ पे आके जो मजा आ रहा है वो अल्फाज में बयान नहीं कर सकते बिल्कुल भी।